नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूं तत्काल टाइम न्यूज़ में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर आशुतोष वाजपेयी जी दिख रहे हैं और इंदौर के वरिष्ठ पत्रकारों से एक नाम, और हमने कई घरों में देखा है कई एंटिक चीज़ें होती हैं लेकिन इंदौर पत्रकारिता में आशुतोष जी ऐसे परिवार से आते हैं जो कि पत्रकारिता के एंटिक के वरिष्ठ हैं और इनसे आज हम बात करने पधारे हैं पत्रकारिता के भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में और अतीत में कैसे पत्रकारिता होती थी उस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो आशुतोष जी सर, आपका स्वागत है, नमस्कार करते हैं हम आपको। और आज देवउठनी 11 से, और आशुतोष नाम का अर्थ जिस जहाँ तक मैं जानता हूँ शिव का नाम है आशुतोष, तो शिव जो है सृजनकर्ता होते हैं, विघ्नहर्ता होते हैं, तीनों चीज़ उनके बस में होती है। आपने पत्रकारिता से शुरुआत करी है और एक हमारे दर्शक के हम बताना चाहेंगे कि आशुतोष जी का करियर बहुत भावनात्मक भी रहा है, वरिष्ठ भी रहे हैं और एक अलग किस्म की पत्रकारिता वो करते हैं, उसी संदर्भ में आज हम बातचीत करने पर जा रहे हैं। सर शुरुआत करते हैं कि पत्रकारिता का जो महत्व होता है आम जीवन में, सरकार में, आपका लंबा अनुभव रहा है, पत्रकारिता को किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि वो किस प्रकार भला करती है, सूचना देती है आम आदमी के लिए? भारत में, भारत लोकतांत्रिक देश है और हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जीते हैं जी, उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाएं मिलना, खबरें मिलना जी अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है। ये स्थिति वैसे ही है जैसे आदमी को या प्राणी को किसी को जल नहीं मिले, बिना जल के वो जीवित नहीं रह सकता जी। वैसे यदि लोकतांत्रिक देश में आप रह रहे हैं, आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहाँ आपको खबरें मिलना, सूचनाएं मिलना और खबरों से वहाँ की सिस्टम को, वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ की सत्ता को नियंत्रित करना या उस पर उसको दिशा निर्देश देना जी, उसको सही बातें बताना, उसकी आलोचना करना, उसको सही रास्ते पर लाना, ये जो है पत्रकारिता का काम। तो कमोबेश हमारे देश में यही हो रहा है। सर आपने पत्रकारिता के बहुत दौर देखे, एक लंबा अनुभव रहा है, मेरे ख्याल से 30 से 40 दशक आप इसमें रहे हैं, इंदौर पत्रकारिता, भोपाल पत्रकारिता, आपने काफ़ी कुछ करा है। हम शुरू से बात करते हैं प्रिंट पत्रकारिता की, आज के समय में क्या उपयोगिता रह गई और आप कैसे देखते हैं कि प्रिंट उपयोगिता को आप किस क्या काम करना चाहिए जिससे कि उसका अस्तित्व बचा रहे? देखिए ये जो युग है, मतलब हर युग में परिवर्तन तो होता है जी, युग परिवर्तनकारी है जी, समय समय के साथ जो है सब चीज़ें बदलती जाती हैं। और तो उसी दौर में हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे तकनीकी बदलाव आते जा रहे हैं, तकनीकी बदलाव के साथ में पत्रकारिता की का जो तौर तरीका है जी, वो भी सब बदलता जा रहा है। पहले जो है पत्रकारिता का जो जो तरीका था वो संपादक पत्रकार अपनी खबरें लिखते थे जी, वो ब्लॉग में जाके जो है उसको वो टाइप सेट होता था जी, जी, टाइप सेट होने के बाद में वो मशीन में जाके प्रिंट होता था जी, और फिर बाद में धीरे धीरे फिर जो है ब्लॉग से कॉम सेट पे आया, कॉम सेट से कंप्यूटर पे आया, कंप्यूटर से जो है इलेक्ट्रॉनिक उसमें आ गए, टीवी पे आ गए, टीवी से मोबाइल पे आ गए, मोबाइल से अब आगे कोई और नए कोई वो तकनीक आ जाएगी तो हम उस पर आ जाएंगे, उस पर आ जाएंगे, सही बात है कि नहीं? तो ये तो दौर बदलाव का है और ये अच्छा है, ये होना चाहिए। युग के साथ परिवर्तन भी परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होते रहना चाहिए। सही बात, मैं समझता हूँ कि पुरानी पत्रकारिता, पारंपरिक पत्रकारिता और आज के जो पत्रकारिता जो चल रही है उसमें एक नवाचार आया है जी। ये नवाचार पत्रकारिता है, पत्रकारिता करवट ले रही बड़ी तेजी के साथ, संचार साधनों ने पत्रकारिता को एक नई करवट दे दी। सर अभी आपने जिक्र करा है नवाचार आया है पत्रकारिता के जितने भी स्तर आए हैं, एक छोटा सा सवाल जो यहाँ लाजमी है, क्या पत्रकारिता उतनी असरकारक रही है जिस समय आपने उस समय करी 1970-80-90 के दशक में जब एक
प्रिंट मीडिया का प्रभाव होता था, मंत्री पढ़ते थे, कार्रवाई करते थे, कलेक्टर दौड़े आते थे। आज हमारे पास में पत्रकारिता के आयाम बहुत सारे आ गए, लेकिन असर कितना रह गया है? आपको क्या लगता है उसमें असरकार आज भी है पत्रकारिता? देखिए, पत्रकारिता में नवाचार आ गया है जी, सोच विचार में बदलाव आ गया है जी, खबरें देखने पढ़ने के तौर तरीके बदल गए हैं जी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह हुआ है कि 80 के दशक में के पहले जी, या 80 के दशक के कुछ सालों बाद तक अखबारों का जो असर होता था जी सत्ता पे, प्रशासन पे, जनता पे, वो असर अब नहीं दिखाई पड़ता है। वो असर कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। पहले तो अखबार में एक लाइन छप जाती तो हड़कंप मच जाता था, सही बात है, प्रशासन हिल जाता था, सही बात है। जनता के लिए अखबार एक आंदोलन की भूमिका निभाते थे। इंदौर में कई अखबार ऐसे हुए हैं जी, मतलब मैं समझता हूँ लगभग सभी अखबार ऐसे हुए हैं जो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनके लिए खबरें लिखते थे, प्रशासन की सत्ता की कमी पेशियाँ बताते थे जी, सरकार को, सत्ता को, प्रशासन को क्या करना चाहिए ये बताते थे, कहाँ वे गलती कर रहे हैं वो ये बताते थे। तो सरकार सतर्क होके अगले ही दिन फौरन, मतलब कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं कि कुछ ही घंटों में जो है सरकार ने, वो प्रशासन ने जो है अपनी गलती सुधार ली, वो जनता के हित में काम कर दी। लेकिन अब वो बात नहीं दिखाई पड़ती, अब वो असर नहीं रह गया।